हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुमकुम किचन्स। आज हम सफ़र में ले जाने के लिए एक बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाएंगे। इसको आप 3 से 4 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। यह ऊपर से क्रिस्पी होता है और अंदर से सॉफ्ट, खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। इसके लिए मैंने गैस ऑन करके एक कढ़ाई रख ली है। इसमें हम 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। इसमें मैंने 1 चम्मच अजवाइन डाल दी है, 1 चम्मच कलौंजी डालेंगे। इसे हल्का सा चला भून लेते हैं। अब मैं यहाँ इसमें 1/2 ग्लास पानी डाल रही हूँ। देखिए 1/2 ग्लास पानी मैंने यहाँ बचा लिया है। पानी में उबाल आ चुका है। इसमें हम अब स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक यहाँ आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। नमक को भी मिक्स कर देते हैं। यहाँ मैंने 2 बड़ी मूलियों को कद्दूकस कर लिया है, इसे डाल देंगे। पानी इसलिए हमने कम लिया था कि मूली में खुद बहुत पानी होता है। इसे उबाल आने तक पकने देंगे। साथ ही इसमें मैंने हरी मिर्चें और अदरक कद्दूकस करके डाला है। यहाँ मैंने 2 हरी मिर्चें डाली हैं और 1/2 इंच अदरक। चावल का आटा डालेंगे और इसे लगातार चलाते हुए मिलाएंगे। हमें इसका चपाती के आटे के समान डोह बनाना है, तो आप इस हिसाब से आटा डालिए। देखिए इसे अच्छे से मिलाते जाइए, इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। इसे लगातार चलाते हुए पकाइए। मैंने यहाँ पे 1 बाउल और उससे 1 चम्मच ज़्यादा आटा इस्तेमाल किया है चावल का। इसे हम ढककर पकाएंगे आप, जिससे कि यह भाप में अच्छे से पक जाएगा। और गैस को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है। देखिए भाप में यह कितने अच्छे से पककर तैयार हो गया। इसे मैंने तेल लगी हुई एक थाली पर निकाल लिया है और हाथों में भी तेल लगा लिया है, जिससे यह चिपके ना। इसे हमें गर्मा गर्म ही भूनना है। इसको मैंने इस तरीके से रोल कर लिया है और हाथों से इस तरीके से छोटी छोटी लोई बनाएंगे और इसे दबाकर हम कचौरी का शेप दे देंगे। इसे आप मूली की कचौरी भी कह सकते हैं। इसी तरीके से हमें सारी कचौरियाँ बनाकर तैयार कर लेनी है, या फिर आप इसे बड़ी लोई बेलकर छोटे छोटे भागों में कुकी कटर की सहायता से काट सकते हैं। देखिए मैंने हाथों से इसे बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने तेल गर्म करने रख दिया था। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें सभी कचौरियाँ डाल देते हैं। इसे दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए ये कितने अच्छे से फूल रही हैं। हमारी सभी कचौरियाँ फ्राई हो गई हैं और इसे आप 3 से 4 दिन तक इसी तरीके से रखे रहने भी देंगे तो इनका स्वाद खराब नहीं होता है। तो आप सफ़र में जब भी जाएं तो इन्हें ज़रूर बनाकर ले जाएं। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। देखिए ऊपर से कितनी क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होती है। और 3 से 4 दिन तक ये ऐसे ही रहेंगी। इनके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है। ये वाली कचौरियों को मैंने कटर से काटा है, कुकी कटर से काटा है। एक बड़ी रोटी बेलकर कुकी कटर से मैंने इसे काट लिया है। इसे हम फ्राई कर लेंगे। आप जिस भी तरीके से आपको अच्छा लगे बनाकर इन्हें तैयार कर सकते हैं। इसे हम प्लेट पर रख लेते हैं। हमारा टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। यदि आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।